हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिन्या एकेडमी। आज वीडियो रे आम सेल्स साइकिल रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करवा कि इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा इनफर्मेसन भी देवी जहाँकि आप नोट कर नियंतु। टीचरशिप रो एग्जाम रो टीजीटी साइंस जो मैंने प्रिपेयर करछंती किंबा पीजीटी बायोलॉजी जो मैंने प्रिपेयर करछंती सेमानकु ए वीडियोटी बहुत हेल्पफुल हेबो। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। सबुगुड़िक प्रिभसली किसी एग्जाम आसी क्वेश्चन गुड़िक आग को भी आसबार संभावना बहुत रही। रिसेंटली जो आरएचटी रेगुलर हाईस्कल टीचर एग्जाम अच्छी से इम्पोर्टेन्ट एवं नेक्स्ट जो मैंने भी एग्जाम देवे एस एस पी पी जी टी बायोलोजी हो कि टी जी टी साइंस हो कि ईआरएमएस एकलव्य मॉडल स्कूल रेसीडेनसीयल स्कूल एग्जाम हो के वि एस कि जे एन वि टी जी टी साइंस एग्जाम हो सब एग्जाम क्वेश्चन गुड़िक बहुत इम्पोर्टेन्ट र। तो चलत स्टार्ट करवा। स्टार्ट करने पूर्व जदि आपण मैंने मोर चैनल को फर्स्ट टाइम देखुं तो सब्सक्राइब करनीयटी को निश्चय लाइक करूँ। जहाँ भी आपणकर व्यू रही वीडियो रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जनातु निज सांग सहित शेयर भी करूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जी वन जी टू एस फेजेस आर सीन इन व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल आम देखी मेनली दुटा फेज अच्छी गोटे हूँ आमर इंटरफेज एवं अन्यटी हूँ एम फेज। जी वन जी टू एस फेज सेल साइकिल रो डायग्राम देखने जापर ए तीनोटी आमर जाऊँगी इंटरफेज रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। करेक्ट सिक्वेंस कौन रही प्रथम आमर जो सेल साइकिल डायग्राम देखा फास्ट आमर कौन आसे जी वन फेज आसे फास्ट जी वन फेज देन एस फेज और सिंथेटिक फेज देन जी टू फेज देन आमर एम फेज देन अगेन साइटोकाइनेसिस जी वन फेज स्टार्ट हुए। तो आंसर ये कौन हम टू री हम जी वन फेज सिंथेटिक फेज जी टू फेज देन एम फेज। थ्री नंबर द स्टेज ड्यूरींग ह्विच सेल डिसाइड्स टू गेट स्पेशलाइज। सेल जो डिसाइड कै को स्पेशलाइज हाँपाई से को स्टेज अंडर हुए जी वन फेज। जी वन फेज नंबर फोर जी वन फेज केत देखा जाती सेल साइकिल जो देखिए आप जानते एवं भी जो देखिले सेल साइकिल माइटोसिस रो एंड रे एवं एस फेज रो स्टार्टिंग आगुरु जी वन फेज हुए। माइटोसिस जो एम फेज रो आमर एंड रे साइटोकाइनेसिस पुनी जी वन फेज स्टार्ट हुए देन एस फेज स्टार्ट हुए। फाइव नंबर ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स ड्यूरिंग जी वन फेज। जी वन फेज रे आमर कौन हुए ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल। डी ऑप्शन करेक्ट सेल रो ग्रोथ एवं नॉर्मल फंक्शन हुए। डीएनए रेप्लिकेशन आमर कौट हुए एस फेज रे एस फेज और सिंथेटिक फेज रे। सिक्स नंबर सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जी वन फेज। जी वन फेज रे कौटा आमर करेक्ट रोचे सेल स्टॉप्स ग्रोइंग नाइट इनकरेक्ट रहइबो सेलटा आमर कंटिन्यूसली ग्रो करूए। एक्चुअली जी वन फेज टा आमर कौन इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो स्टार्ट हुए जो एस फेज रे स्टार्ट हुए एम फेज एंड एस फेज भितर जो रही गैपटा से जी वन फेज से मेटाबोलिकली से एक्टिव थाए कंटिन्यूसली ग्रो भी करूए बट डीएनए रेप्लिकेट ये हुए ना इनिशिएशन जस्ट स्टार्टिंग फेजटा। तो ये आंसर कौन हम सिक्स नंबर री डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली एस फेज रे हुए। सेवेन नंबर डिफरेंशिएटेड सेल अरेस्ट एट व्हिच स्टेज। डिफरेंशिएटेड सेल अरेस्ट को स्टेज रे हुए आमर जी जीरो स्टेज और ताको कौन कहा जाए क्वेश्चेंट स्टेज जी जीरो स्टेज और क्वेश्चेंट स्टेज। एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन गुड़ी को नोट करनी हो तो एट नंबर सेल्स इन जी जीरो फेज ऑफ सेल साइकिल। जी जीरो फेज रे सेल रो कौन हुए सेल साइकिल आमर सस्पेंड हो जाए। एक्चुअली जी जीरो स्टेज रे कौन हुए सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट द जी वन फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज दैट इज द जी जीरो फेज ऑफ सेल साइकिल सस्पेंड कर दिया जाए सेल साइकिल को। नाइन नंबर ह्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जी जीरो फेज।
जी जीरो फेज कौटा आम इनकरेक्ट माइटोसिस अकर्स आफ्टर जी जीरो फेज यहाँ इनकरेक्ट माइटोसिस जी जीरो फेज पर हुए नी जी टू फेज पर हुए ए ऑप्शन इनकरेक्ट अच्छे। टेन नंबर ड्यूरिंग सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेट्स सेल साइकिल रे हमरो जो डीएनए रेप्लिकेशन हुए केवल थरे होता है आंसर कौन हम ये ए ऑप्शन करेक्ट हम। व्हिच फेज कम्स इन बिटवीन जी वन एंड जी टू फेज रिसेंटली डिस्कस कले जी वन एंड जी टू फेज मझे कौन आसे आम एस फेज आसे एस फेज और सिंथेटिक फेज। ट्वेल्व नंबर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाटिड टेक्स प्लेस इन क्रोमाटिड फॉर्मेशन आम कौटि हुए एस फेज रे ही हुए डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमाटिड फॉर्मेशन ये सब आम एस फेज रे ही हुए। थर्टीन नंबर द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग व्हिच डीएनए पॉलीमरेज इज फंक्शनली एक्टिव डीएनए पॉलीमरेज केत फंक्शनली एक्टिव हुए जो डीएनए रेप्लिकेशन हुए कौ फेज रे हुए आमर एस फेज और सिंथेटिक फेज। इफ ए सेल हैज ट्वाइस एज मच एज डीएनए एज इन नॉर्मल फंक्शनल सेल इट मीन्स दैट द सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड ए ऑप्शन करेक्ट हम। इफ ए सेल हैज ट्वाइस एज मच डीएनए नॉर्मल फंक्शन जिते अच्छी तार जो द्विगुण रही तो सर कौन डिवाइड हाँपाई प्रिपेयर हो। फिफ्टीन नंबर पोस्ट माइटोटिक गैप फेज एंड सिंथेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल आर ऑल्सो रेस्पेक्टिवली प्रिपेयर्ड एज पोस्ट माइटोटिक गैप माने हमर सेटा कौन जी वन फेज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज टा होची जी वन फेज सिंथेटिक फेज टा होची एस फेज तो ये कौन ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हम। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स विल द सेल हैव एट जी वन आफ्टर एस एंड आफ्टर एम फेज केतरा क्रोमोजोम आम रोज जदि इनिशियली 14 क्रोमोजोम अच्छी इंटरफेज रे देन अगेन आफ्टर जी वन एंड एस एंड एम फेज पर भी से सेम नंबर तो आंसर ये कौन हम 16 रो ए ऑप्शन करेक्ट हम। 17 नंबर साइक्लिन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल साइकिल व्हिच अदर मॉलिक्यूल इज एसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल जो साइक्लिन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होची ता ना कौन सी डी के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज। 18 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर डायरेक्ट डिवीजन पाई कोटा आमर फेमस रही ए माइटोसिस 18 रो सी ऑप्शन करेक्ट हम डायरेक्ट डिवीजन ए माइटोसिस जो एग्जाम रे क्वेश्चन आसे ए माइटोसिस टर्म किए कॉइन करथिले तो कौन बा आंसर रॉबर्ट रोमार्क मन रखता रॉबर्ट रोमार्क कॉइन द टर्म ए माइटोसिस माइटोसिस टर्म किए दे थिले आमर फ्लेमिंग माइटोसिस टर्म गिवन बाय फ्लेमिंग एंड मियोसिस किए दे थिले फार्मर एंड म्यूरे फार्मर एंड म्यूरे तीनोटी जाक इंपोर्टेंट रहइबो एग्जाम पाई मन रखतांदु। 19 नंबर ए सेल डिवाइड्स एवरी 1 मिनट एट द रेट ऑफ डिवीजन इट कैन फिल ए 100 ml ऑफ ए बिकर इन 1 आवर यदि 1 आवर रे सी 100 ml बिकर फिल कर दोउची तार जस्ट गोटे मिनट आगर कौन हम तार अधा थी बिकर अधा थी 1 मिनट रे सी फिल हो कौन सेल डिवाइड करुच्छे एवरी 1 मिनट रे। सो क्वेश्चन कौन कही हाउ मच टाइम डिटेल्स इट टेक टू फिल ए 50 ml बिकर 100 ml टा फुल 50 ml टा हाफ तो तार नेक्स्ट प्रिभियसली 1 मिनट ही सी अधा थी तो आंसर ये कौन हम 19 रो सी 59 मिनट्स 50 ml बिकर फुल हो तो नेक्स्ट 1 मिनट से डिवाइड होगी फुल हो तो 100 ml हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा माइटोसिस इज कैरेक्टराइज बाय माइटोसिस को हमें कमी कैरेक्टराइज कर बाय द इक्वल डिविजन 21 रो बी ऑप्शन करेक्ट हम। 22 नंबर देर इज नो डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर माइटोसिस देन द कंडीशन विल बी जदि साइटोप्लाज्म पर किसी तार डिविजन हुए नहीं अलग अलग हो मानने आमर साइटोकाइनेसिस फॉर्म होनी जदि से कौन हम 1 सेल विथ 2 न्यूक्लियाई डी ऑप्शन करेक्ट हम। ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द माइटोटिक फेज आर क्रोमोजोम डिस्पोज द मोस्ट को फेज रे आमर क्रोमोजोम टा मैक्सिमम डिस्पोज होची आंसर हम प्रोफेज ए ऑप्शन करेक्ट। 24 नंबर रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोजोम्स अकर्स ड्यूरिंग क्रोमोजोम रेप्लिकेशन आमर को स्टेज रोचे प्रोफेज
डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज सिंथेटिक फेज रोज बट क्रोमोजोम रेप्लिकेशन आम प्रोफेज हो माइटोसिस फर्स्ट फेजटा आम प्रोफेज तर जो चारिटा स्टेज रही फास्ट आम प्रोफेज आसक्स्ट मेटाफेज नेक्स्ट अनाफेज एंड टेलोफेज प्रोफेज मेटाफेज अनाफेज टेलोफेज तार गोटे ट्रिक भी अच्छी पीएम एट टॉप आमर जी देशर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पीएम कंट्री आम टॉप मोस्ट पोजिशन अच्छा पीएम एट टॉप प्रोफेज मेटाफेज अनाफेज एंड टेलोफेज सिक्वेंस वेली यार बेले बेले क्वेश्चन पचार दिए 25 नंबर इन व्हिच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोजोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोजोम मैक्सिमम कंडेंस्ड को स्टेज रे हिस्ताइंदी ना मेटाफेज सेकेंड स्टेज रे मैक्सिमम कंडेंसेशन हुए क्रोमोजोम्स अरेंजेड इक्यूटेरियल प्लेट इक्यूटेरियल प्लेट ऑफ स्पिंडल डायग्राम रे जानि परथिबे इक्यूटेरियल प्लेट रे क्रोमोजोम्स हमरो जो अरेंज हे गिरुए सेटा को फेज रे हुए सेकेंड स्टेज रे हुए दैट इज मेटाफेज बी ऑप्शन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू माइटोसिस माइटोसिस पे कोडा हमरो करेक्ट रहइबो क्रोमोजोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्यूटेरियल प्लेट इन मेटाफेज रिसेंटली डिस्कस कले एटा मेटाफेज रे इक्यूटेरियल प्लेट रे रुए तो 27 रा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट अछि सेकंड ऑप्शन रे देखु क्रोमोजोम सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन अनाफेज एटा इनकरेक्ट रहइबो सेंटर रे रहउनी अनाफेज रे हमरो अनाफेज रे हमरो कोन होउछि सेंट्रोमियर स्प्लिट हेगिरी क्रोमाटिड सेपरेट हे जाउछि एवं पोल पाखु को ऑपोजिट पोल पाखु को मूवमेंट हे जाउछि तो बी ऑप्शन करेक्ट अछि सी ऑप्शन रे क्रोमाटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल एट टेलोफेज देछि रे टेलोफेज नु अनाफेज रे हबो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ द प्रोफेज गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोफेज रे किछि भी शो होनी तो आंसर एटी कोन 27 ए ही हबो 28 नंबर एस्ट्रल रेज आर फाउंड फॉर्म एस्ट्रल रेज ऑफ फॉर्म जो होची सेटा कोट फ्रॉम होची हमर माइक्रोट्यूबल्स बी ऑप्शन करेक्ट हबो माइक्रोट्यूबल्स रु फॉर्म होची व्हिच टाइप ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूबल्स आर अटैच्ड टू क्रोमोजोम क्रोमोजोम को हमर को टाइप रो स्पिंडल माइक्रोट्यूबल अटैच रहिची काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल्स 29 रो ए ऑप्शन करेक्ट हबो एक्चुअली काइनेटोकोर्स टा एटा हमर को स्टेज रे देखा हुए मेटाफेज रे मेटाफेज रो सेंट्रोमियर रे काइनेटोकोर्स हमर देखा हुए जोटा कि साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर स्पिंडल फाइबर्स एटा कोफेज रे हमर शो हुए ना मेटाफेज रे शो हुए ए रिलेटेड मु जहाँ भी नोट बनेची ताहा मु टेलीग्राम ग्रुप रे दे देबी 30 नंबर स्पिंडल फाइबर इज मेड फॉर्म काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए सेटा को प्रोटीन रु हमर होईची ट्यूबुलिन सी ऑप्शन करेक्ट हबो 31 नंबर एट मेटाफेज क्रोमोजोम्स आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स बाय दे रिसेंटली डिस्कस करले कौन हम बड़े आंसर काइनेटोकोर बी ऑप्शन करेक्ट हबो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस माइटोसिस रो प्रोफेज माने फर्स्ट स्टेज रे कौन हमर डिवाइड हुए ना सेंट्रोजोम डी ऑप्शन रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोजोम डिवाइडेशन ऑफ सेंट्रोजोम कोडियो वो सब हमर प्रोफेज ऑफ माइटोसिस 33 नंबर द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम इज सेंट्रोजोम रो हमर मेन फंक्शन कौन रही ना फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स 33 रो डी ऑप्शन करेक्ट रहइबो 34 नंबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स एट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डा हमर को स्टेज रे डिसअपीयर हो जाए लेट प्रोफेज रे सी ऑप्शन करेक्ट हबो ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच एट ए हाईली डिफरेंशिएटेड रीजन कॉल्ड काइनेटोकोर बी ऑप्शन करेक्ट सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रोमियर कौन पाई दरकार पड़ी मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम जो आम पोल ऑपोजिट पोल को मूवमेंट करती से आमर सेंट्रोमियर दरकार पड़ता है तो ये कौन हम सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स टुवर्ड्स द पोल नेक्स्ट क्वेश्चन इन माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट माइटोसिस सेंट्रोमियर टा केतो डिवाइड हुए अनाफेज रे डिवाइड हुए
एम फेज रो डायग्राम गुड़ को देखले जानपर फास्ट प्रोफेज रे कौन हुए इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल क्रोमोजोमल मटेरियल जहाँ रही सेंट्रोजोम जाक डिवाइड हे क्रोमोजोम्स रेप्लिकेशन हे क्रोमोजोमल मटेरियल जगर कंडेंसेशन टा इनिशिएशन हे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स ईआर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवलप ए सब जो रही है से सब जाक डिसअपीयर कर प्रोफेज रे सब हम नेक्स्ट मेटाफेज रे कौन हम काइनेटोकोर्स अटैच होकर स्पिंडल फाइबर्स जाक जो रही से सब अलग अलग पोजिशन को जी क्रोमोजोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट मझे आसिक सब जाक रही डायग्राम रू जानते नेक्स्ट आमर जो आस आनाफेज रे सेंट्रोमियर डिवाइड होकर आमर अपोजिट पोल को चली जाए लास्ट टेलोफेज रे कौन हुए क्रोमोजोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स से आइडेंटिटी टाक सब लॉस करेंगे न्यूक्लियर एनवलप जो अच्छे असेंबल हम आ गॉल्गी न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रिफॉर्म हम 38 नंबर द मेजर इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस व्हिच ब्रिंग अबाउट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो क्रोमोजोम होमती हुए स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर बी ऑप्शन करेक्ट हम 39 नंबर ड्यूरिंग टेलोफेज लास्ट स्टेज ऑफ एम्फेज ड्यूरिंग टेलोफेज टेलोफेजा कौन आम लास्ट फेजटा हुए एम्फेज र तो से कौन हुए दीटा डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट ए पार्ट ऑफ म्योसिस माइटोसिस गोटे यूनिक बट म्योसिस बिल्कुल भी पार्ट नुहे होमोलोगस क्रोमोजोम्स बिहेव इंडिपेंडेंटली होमोलोगस क्रोमोजोम जो अच्छी तो इंडिपेंडेंटली बिहेव करे तो ये आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फिगर रू आम जापर ए एंड बी जो फिगर रही को स्टेज को आम रिलेट कर एटा जो आम रही कौन हो क्रोमाटेड फाइबर द्वारा जो क्रोमोजोम्स जाक अपोजिट पोल को सिफ्ट हो जाइंट तो यहाँ आम कौन हम लेट आनाफेज स्टेज हुए अपोजिट पोल को जो जाए लेट आनाफेज स्टेज हुए एवं बी डायग्राम टा जो रही इनिशियल स्टेज टा फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस तो ये प्रोफेज हम तो डी ऑप्शन करेक्ट हम 43 रो डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा साइटोकाइनेसिस रिफर्स टू साइटोकाइनेसिस माने कौन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म सी ऑप्शन करेक्ट हम एनिमल सेल्स अंडर गो साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस अंडर जो जाऊँच एनिमल सेल ता कौन कहते फ्यूरोइन बी ऑप्शन करेक्ट हम प्लांट सेल जो जाए सेल वेल को रिलेट करता है लामेला फॉर्म जाए बट एनिमल सेल मोर फ्यूरोइन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल आ गए एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन बन रख था सिनसिटियम सिनसिटियम लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट लिक्विड एंडोस्पर्म जो आम रही कोकोनट्रे से केसटा कौन कह जाए सिनसिटियम ता अर्थ कौन केतरा ऑर्गेनिज्म रे कैरियोकाइनोसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनोसिस आज रिजल्ट ऑफ व्हिच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एराइज मल्टी न्यूक्लिएट माने बहुत सारा न्यूक्लियस कंडीशन एराइज कर दे थे लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिनसिटियम कोठीटा देखा जाए लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इंपोर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी क्वेश्चन मन रखता नेक्स्ट देखा सेल प्लेट फॉर्मेशन सेल प्लेट आमर केतेबेले को स्टेज रे फॉर्मेशन हुए फ्राग्मोप्लास्ट सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम फ्राग्मोप्लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज इन माइटोसिस सिग्निफिकेंस टा आमर कोठी देखाउची प्रोड्यूसिंग सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल ए ऑप्शन करेक्ट हबो व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज अरेस्टेड बाय कोल्चिसिन कोल्चिसिन आमर को स्टेज देखा जाए ना आमर मेटाफेज सी ऑप्शन करेक्ट हम इटा को फैमिली के रिलेट कर लिलियसी फैमिली नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छी देखो लिलियसी फैमिली कोल्चिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली दैट इज लिलियसी माइक्रोट्यूबुल डीपॉलीमराइजिंग ड्रग सच एज कोल्चिसिन इज एक्सपेक्टेड टू कौन एक्सपेक्ट कर इनहिबिट स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग
माइटोसिस ए ऑप्शन करेक्ट हम। सेल डिवीजन इन प्लांट्स इज प्रमोटेड बाय साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन किए प्रमोट कर साइटोकाइनिन। मियोसिस रिजल्ट्स इन मियोसिस कौन रिजल्ट कर सब जगह होगा अल अफ द हबअब हम प्रोडक्शन अफ गैमेट्स रिडक्शन इन नंबर अफ क्रोमोजोम्स एंड इंट्रोडक्शन अफ भेरिएशन अल अफ द थ्री हम डी ऑप्शन करेक्ट हम। मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मियोसिस केतेबेले हुए रिप्रोडक्शन टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम हुए तो सी ऑप्शन करेक्ट हम। मियोसिस ऑफ एंजियोस्पर्म कैन बी स्टडीड इन एंजियोस्पर्म रो मियोसिस हमें कोड़ी स्टोर कर पारे डिवाइडिंग पोलन मदर सेल्स इन आंथर डी ऑप्शन करेक्ट हम। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस मियोसिस रिलेटेड कोटा रॉन्ग स्टेटमेंट टू साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हेबो नाही सी ऑप्शन इठी इनकरेक्ट अच्छी। फोर हैप्लोइड सेल्स फॉर्म होची ठीक अच्छी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम भी होची ठीक अच्छी बट डीएनए रेप्लिकेशन वन टाइम ही हुए टू टाइम हुए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इटा थिला पार्ट वन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो रे हमें मियोसिस रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड तार सब एमसीक्यू डिस्कस करिबा जहाँ भी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन आपण पाउछन्थि आपण सांगे सांगे नोट कर नियंतु एवं ए रिलेटेड जहाँ टिके ऑब्जेक्टिव्स रही प्राक्टिस करूँ बारंबार एग्जाम पाख आसिले तो आम चेष्टा करिबा अधिक रु अधिक क्वेश्चन जमी प्राक्टिस करिपरिबा।